दोस्तों मैंने सुना है कि मोहन भागवत की जान को खतरा है, उनकी सुरक्षा में लगाए जाएंगे एनएसजी के कमांडो। दोस्तों हिंदू राज में हिंदुओं की जान को खतरा है, ये 70 साल के इतिहास में पहली बार इतनी कमजोर सरकार देखी गई है। ये वही मोहन भागवत हैं जिनको इस सरकार से पहले कभी भी इनकी जान को खतरा नहीं हुआ है। दोस्तों असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं, रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूं मैं। दोस्तों मोहन भागवत को अगर जान को खतरा होता है तो उन्हें जेट सिक्योरिटी दी जाती है, अनिल अंबानी को अगर डर लगता है तो उन्हें जेट सिक्योरिटी दी जाती है, सुधीर तिहाड़ी को अगर डर लगता है तो उन्हें भी जेट प्लस की सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन वहीं नसीरुद्दीन शाह को डर लगता है तो उन्हें देशद्रोही करार दे दिया जाता है। दोस्तों नसीरुद्दीन शाह ने आखिर ऐसा क्या कहा जिससे इतना बवाल खड़ा किया गया? नसीर ने सिर्फ वही कहा जो जस्टिस लोया की लाश ने कहा। नसीर ने वही कहा जो ईमानदार अफसर सुबोध सिंह के कफन ने कहा। नसीर ने वही कहा जो बंसल परिवार के बिखरती खुशियों ने कहा। नसीर ने वही कहा जो आसिफा सजली की बिखरती आबरू ने कहा। दोस्तों नसीर ने तो कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे इतना बवाल खड़ा किया गया। दोस्तों इस बारे में एक बार आप भी सोच के देखिएगा कि सरकार क्या कर रही है। दोस्तों काम नहीं कारनामे बोलते हैं दोस्तों।